ॐ श्री परमात्मने नमः अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारियतश्च यत स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मिश्रुणो ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोऽपि विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः सप्तमे अध्याये सूचिते द्वे प्रकृति ईश्वरस्य त्रिगुणात्मिका अष्टधा भिन्ना अपरा संसारहेतुत्वात् परा च अन्या जीवभूता क्षेत्रज्ञलक्षणा ईश्वरात्मिका याभ्यां प्रकृतिभ्याम् ईश्वरो जगत उत्पत्तिः स्थितिहेतुत्वं प्रतिपद्यते तत्र क्षेत्रक्षेत्रज्ञ लक्षण प्रकृतिद्वय निरूपण द्वारेण यद्वद् ईश्वरस्य तत्व निर्धारणार्थं क्षेत्रम् अध्याय आरभ्यते अतीनामन्त्राध्याये च द्वैष्टा सर्वभूतानाम् इत्यादिना यावत् अध्यायपरिसमाप्ति तावत् तत्त्वज्ञानिनां सन्यासिनानां निष्ठा यथा ते वर्तन्ते इति एतदुक्तम् केन पुनः ते तत्त्वज्ञानेन युक्ता यथोक्तधर्माचरणात् भगवतः प्रिया भवन्ति इति एवमर्थः च अयम् अध्याय आरभ्यते प्रकृति च त्रिगुणात्मिका सर्वकार्यकरणविषयकारेण परिणता पुरुषस्य भोप अपवर्गार्थं कर्तव्यता देहेन्द्रियादिकारेण सहन्यते सह अयं संघातः इदं शरीरं तद् एतत् इति श्रीभगवान् उवाच संक्षेप में अध्याय 13 का जो प्रारंभ हुआ वो कहाँ से हुआ भगवान भाष्यकार कहते हैं सातवें अध्याय में क्योंकि इस अध्याय का नाम क्या है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ बोले अभी तक तो 12वें अध्याय तक तो आपने भक्ति की बात बताई ये 13वें अध्याय में अचानक क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की बात कहाँ से आ गई विषयांतर कैसे हो गया तो बोलते हैं मैंने एक बात कही थी सातवें अध्याय में और कहा था कि ईश्वर की दो प्रकृतियां हैं क्या श्लोक था वो सातवें श्लोक पर जहां भगवान ने ये बोला कि मेरी दो प्रकृतियां हैं श्लोक क्या है तीसरा चौथा देखिए बुद्धि आपह अनलह वायु खनम
खम मनः बुद्धिव च अहंकार इतीयम् मे भिन्ना प्रकृति यष्टदा अपरीय मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीव भीताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। तो कितनी आ गई, दो प्रकार की प्रकृति। इसी प्रकृति को कहा गया परा प्रकृति और दूसरी प्रकृति को क्या कहा गया अपरा। अहंकार मिल रहा है आपको चौथा, भूमि आपह अनलह वायु खम, ये क्या हो गए पंचमहाभूत। मनः बुद्धि अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये मेरी अष्टधा प्रकृति है। दूसरी एक और प्रकृति अपरेय, अपरेयम तु अन्याम प्रकृतिम, अभी जो प्रकृति बताई वो कैसी प्रकृति थी अपरा, अपरा। आप बोलते हैं एक परा प्रकृति भी है, वो कौन सी है, बोले जीव भूताम महाबाहो जीव जो जीवों को धारित करती है। मतलब एक प्रकृति हो गई अपरा और अपरा प्रकृति में कितनी चीजें आ गई आठ, ठीक है, अपरा प्रकृति में कितनी आ गई आठ, इसी को बोला अष्टधा। दूसरी एक प्रकृति है उसको बोला परा, उसका कार्य क्या है, जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत, जो जगत को धारित करती है वह जो दूसरी प्रकृति है वो कौन सी है परा। वह विषय यहां पे अब आया, सातवें अध्याय में ईश्वर की दो प्रकृतियां बतलाई गईं, आपके हिंदी में भी ऐसा ही लिखा है। पहली आठ प्रकार से विभक्त त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो संसार का कारण होने से अपरा है, मतलब जो एक प्रकृति है उसका नाम क्या है अपरा, वही त्रिगुणात्मिका है, वही उसी में पंचमहाभूत हैं। तो एक तो हो गई अपरा और दूसरी है परा। अन्याच समझ में आ रहा है ना, एक तो हो गई अपरा, दूसरी विद्या क्या है परा, जो जीवभूत क्षेत्रज्ञ रूपा और जिसको ईश्वर कहते हैं। इतना विभाग किसी को नहीं समझ में आया पहले पूछ ले, ये फंडामेंटल बेसिक है। दो प्रकृतियों की बात कही गई, एक अपरा प्रकृति एक परा प्रकृति। जो पांच महाभूत और ये त्रिगुण दिखाई दे रहे हैं वो किसमें हैं अपरा में। इन जिसने इस अपरा प्रकृति को धारण किया है, जिसका दूसरा नाम ईश्वर है, वो किस में आ गया परा प्रकृति में। अच्छा, जिन दोनों युक्तियों से युक्त ईश्वर जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण होता है, उन क्षेत्र क्षेत्र की दोनों प्रकृतियों वाले ईश्वर का यह अध्याय इसलिए प्रारंभ किया जा रहा है। वही परा और अपरा को विशेष रूप से बताने के लिए यह अध्याय प्रारंभ किया गया। बोले इससे बारहवां अध्याय कैसे आप जोड़ेंगे, बारहवें से तेरहवें की संगति। बारहवें अध्याय में अद्वैष्टा सर्वभूतानाम मिल रहा है आपको भाष्य में, पहले ही अध्याय का है ये, मतलब पहला पेज है ये। तीसरा, अद्वैष्टा सर्वभूतानाम इत्यादिना यावत अध्याय पर समाप्ति। अद्वैष्टा सर्वभूतानाम से लेकर अध्याय की समाप्ति पर्यंत तक तत्वज्ञानी सन्यासियों की निष्ठा अर्थात वे जिस प्रकार से वर्ताव करते हैं वो कहा गया। आपने देखा जीवन मुक्त के जो लक्षण हैं वो बारहवें अध्याय में बताए गए, किस श्लोक से, अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा ये वचा, यही आया था ना। यहां से जीवन मुक्त पुरुष की बात की गई। तो उपयुक्त धर्म का आचरण करने से फिर ये कौन से तत्व ज्ञान से युक्त हो जाते हैं, मतलब ये जो तत्व ज्ञानी बन गए
ऐसा कौन सा ज्ञान इनके पास आ गया जिसके कारण ये क्या बन गए, तत्व ज्ञानी। उस ज्ञान की चर्चा 13वें अध्याय में की जा रही है। ये समझ में आ गया क्या प्रकरण है? पहली विषय वस्तु बताई गई परा और अपरा प्रकृति के बारे में, दूसरी बताई गई जो व्यक्ति ज्ञानी बना वो ज्ञानी किस ज्ञान के कारण बना। ये लक्षण तो ठीक है कि बस अद्वैष्टा सर्वभूतानाम वो सब में समान रहता है, ये तो एक लक्षण है, लेकिन ज्ञान क्या था, वह ज्ञान कौन सा है, ये 13वां अध्याय। और इसके पहले ही मैं कह चुका हूँ 13वां अध्याय आसान अध्याय नहीं है। 13वें अध्याय पे इसीलिए बहुत कम लोग यज्ञ भी करते हैं, ना पढ़ते हैं ना पढ़ाते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है इसको समझना। उसी के लिए कठिनाई होगी, आपके लिए तो होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने 12 अध्याय तक ठीक से यदि पढ़ा है तो। जिसका बेस बना है उसके लिए 13वें अध्याय में कोई कठिनाई नहीं। नाउ पहला श्लोक, इदम् स्टार्ट करते हैं, वह ज्ञान क्या है सीधे। इदम् शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। हे कौन्तेय मतलब कुंती का पुत्र अर्जुन, क्षेत्र की परिभाषा सुनो, क्षेत्र की परिभाषा सुनो। क्या क्षेत्र है? यह जो शरीर है इसको क्षेत्र कहते हैं। हो गया इदम्। अच्छा शरीर कौन है? शरीर है इदम्। कभी गीता की टीका टिप्पणी करनी हो तो आप गीता में ही रहना, वो आपको वहीं से ही मिलेगा अर्थ। शरीर कभी अहम नहीं बन सकता। शरीर का लक्षण है कि वह इदम ही रहेगा। इदम मतलब जो अहम से व्यतिरिक्त है, जो मैं नहीं हूं, उसके अन्यत जो है। तो अब पर्यायवाची हो गए, आप देखो क्या क्या पर्यायवाची हो गए। जो इदम है वही शरीर है, जो शरीर है वही इदम है। दिमाग में ठूस जाइए बात। जो इदम है, इदम मतलब संस्कृत में यह, दिसनेस, जिसकी ओर इशारा कर सकें, जिसकी ओर उंगली उठा सकें, और जिसको आंख नाक कान मुंह से जाना जा सके, वह सब का सब जगत है। फिर बचा क्या? जिसने यह जाना वो बच गया। सबको जाना, लेकिन जिसने यह जाना वो कौन? हो गया इदम शरीरम। तो ये पर्याय अपने दिमाग में रखिएगा, इदम भी उसी को कहते हैं, शरीर भी उसी को कहते हैं, यहां तक कि जगत भी उसी को कहते हैं, और इसी को इस भाषा में क्षेत्र कहा गया, और प्रकृति के माध्यम से उसी को अपरा कहा गया। हाँ अपरा जड़, जो एकदम होगा वह जड़ ही होगा। अगर एक बार ये बुद्धि में बैठ जाए समीकरण, सब वेदांत के रहस्य अपने आप खुलने लगेंगे। देखो यहीं पे किसी को कंफ्यूजन रह गया, पैचवर्क करता रहा, तो फिर आगे कुछ भी समझ में नहीं आता है, फिर तो इधर उधर घूमता रहता है। जिसको इशारा कर सकें, जिसको जाना जा सके, जो इंद्रियों का विषय बन जाए, जो शरीर है, जो इदम है, जो क्षेत्र है, जो अपरा है, ये सब एक हैं। हो गया इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। इसको क्या बोलते हैं? बोले क्षेत्र बोलते हैं।
बोले कैसे पता इसको क्षेत्र बोलते हैं, एतद यो वेति, जो इसको जानता है, किसको, क्षेत्र को, जगत को, इदम को, शरीर को, जो इसको जानता है। इस देखो, इसीलिए बार बार नहीं बोलना चाहिए क्षेत्र क्षेत्र, बुद्धिमता कैसी, यो वेति, जो इसको जानता है, किसको जानता है, क्षेत्र को जानता है। बोले उसका नाम क्या है, क्षेत्रज्ञ। दो विभाग क्लियर हो गए, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्या हो गया, जो इदम है, जो इदम को जाने वो क्या कहलाएगा, क्षेत्रज्ञ। भाष्कर ने तो बहुत अच्छी अच्छी भाषाएं यहां दी है। क्षेत्र मतलब क्या, क्षेत्र मतलब क्या, भाष्यकार ने ये आपको पढ़ाया होगा, हमने पहले भी कैंडल लाइन भी कराया होगा, पिछले नोट्स हो तो देखिएगा। छतत्राणात, बोले इसका नाम क्षेत्र क्यों रख दिया महाराज जी, कुछ और रख लेते आप। बोले जिसका स्वभाव क्षरण होने का है, इसीलिए इसका नाम क्षेत्र है। एक ऐसा लिंक दिया भाष्यकार, क्या बोलते हैं पहले श्लोक के भाष्य में देखिए, हे कौन्तेय छत्रताणात, छत्रताणात छयात, छयात मतलब क्षरणात, जिसमें भी क्षरण होवे, क्षरण होवे मतलब कमी होवे, नाश होवे, जैसे कि चोट, चोट लगने से व्यक्ति का क्या हुआ, क्षरण हुआ, जिसमें कमी हो गई, जिसमें कमी होए, चोट लगे, ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, परिमाण में अंतर आ जाए, विकार आ जाए, वह सब क्या कहलाएगा, क्षेत्र। हे कुंती पुत्र, शरीर को चोट आदि से बचाया जाता है, इसलिए यह शनई शनई क्षीण नष्ट होता रहता है, अथवा अथवा दूसरा अर्थ बोलते हैं, क्षेत्र के समान इसी में कर्म फल प्राप्त होते हैं। वाह देखो जी, ये क्षेत्र को ऐसा अध्ययन होना चाहिए। क्षेत्र क्यों कहा गया, उसके दो कारण कहे गए, एक तो जिसमें क्षरण होने का स्वभाव है, इसके कारण क्या कहा गया उसको, क्षेत्र। लेकिन दूसरा है, जैसे भूमि से ही वह फसल निकलती है, जहां ये फल प्राप्त होते हैं, व्यक्ति को जो सुख दुख है वो प्राप्त कहां होते हैं, तो जहां प्राप्त होते हैं वो कौन है, क्षेत्र है। ये कितना अच्छा अर्थ है, व्यक्ति को जितने फल प्राप्त हो रहे हैं, सफलता असफलता, गर्मी सर्दी, सुख दुख, मान अपमान, ये क्षेत्रज्ञ को नहीं है, ये किसको है, ये तत्व ज्ञान है। यह अब स्थूल शरीर नहीं, गलत बात मत बोलना, मन भी आया कि नहीं आया, तो अपमान तो बुद्धि का हुआ, स्थूल शरीर का कहां से हुआ, सावधानी से। इसमें तो मन भी आ गया ना आपने पढ़ा, और बुद्धि भी आ गया, तो जहां पर यह अनुभूतियां होएं वह सब कौन हो गया, क्षेत्र हो गया। क्षेत्र क्यों कहा, उसके दो कारण, जिसमें क्षरण होने का स्वभाव है वह क्षेत्र है, और दूसरा क्या कहा गया, कर्म फल निर्वृत्ते है क्षेत्रम इति शब्द एवं शब्द पदार्थ का क्षेत्रम इति अभिधीयते, इसलिए इसको क्या कहा गया, क्षेत्र कहा गया। अच्छा, क्षेत्रम यो विजानाति, जो इस क्षेत्र को जानता है, कहां से कहां जानता है, चरणों से लेकर मस्तक तक, आपके माए शरीर के पैर के नाखून के एक कोने में दर्द होवे, शरीर के माए पैर के माए नाखून के एक कोने में दर्द होवे, तो आपको भान हो जाता है कि नहीं हो जाता है। ये भान किसको हुआ,
और शरीर के सिर के एक कोने में कोई कीड़ा चढ़ जाए, और मलिच्छ जाति का हो, मलिच्छ प्राणी तो जुआ हो इसके, अगर जुआ चल रहे हो तो आपको उसका भान हो जाएगा कि नहीं, कहां पे चल रहा है इतना छोटा सा कीड़ा सर के ऊपर, सोचो। बोले ये किसको ज्ञान हो रहा है, इसलिए भाष्यकार ने एक शब्द लिखा बहुत ही सुंदर है, आपाद तल मस्तकम। आपाद तल मस्तक, पैर से लेकर मस्तक तक, यहां पे भी ऐसे ही नाप लेना, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, वो ऊपर से लेकर नीचे तक समुद्र तक, जो इसको जानता है देखो ज्ञाने न, बहुत सुंदर है भाष्यकार, विषयी करोति मतलब इसको जिसको जाना जा सके, विषयी करोति स्वाभाविकेन औपदेशिकेन वा वेद वेदनेन विषयी करोति। क्या लिखा गया, जो ज्ञान से प्रत्यक्ष करता है या स्वाभाविक उपदेश द्वारा प्राप्त अनुभव से विभाग पूर्वक स्पष्ट जानता है, चाहे वह उपदेश से जाने चाहे स्वभाव से जाने, लेकिन जानता है अगर, तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, क्षेत्रज्ञ। ये बात समझ में आ गई, क्षेत्र कौन है, क्षेत्रज्ञ क्यों है, यह अध्याय क्यों प्रारंभ हुआ और क्षेत्र का लक्षण क्या है। और दूसरा श्लोक देखिए क्या था, क्षेत्रज्ञम क्षेत्रज्ञम, यह है दर्शन, और उसके आगे भगवान ने एक शब्द लगा दिया अपि, यहीं पे सब कहानी बदल गई। जैसे मैंने पिछली बार कहां तक पढ़ाया था, कुछ याद है? हाँ, अब एक आदमी बोले तो समझ में आए, मेरे दो श्लोक, बारह श्लोक, मुझे किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं, मैं अपने हिसाब से करूंगा। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, मैं क्षेत्र को जा, अब यहां पे प्रश्न है अपि शब्द क्यों लगा दिया, अपि मतलब भी, पकड़ में आ रहा है, क्षेत्र को जानता हूं और क्षेत्र को भी जानता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जानने वाला कोई तीसरा, वो दो नहीं है। सावधानी से देखना ये अपि शब्द, क्षेत्रज्ञम चापि, मैं क्षेत्र को तो जानता ही जानता हूं, लेकिन मैं क्षेत्रज्ञ को भी जानता हूं, देखो ये कोई तीसरा पुरुष है। क्षेत्रज्ञम चा अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, मैं सभी क्षेत्रों में हूं। देखो जी अभी एक और नई बात, जानना अलग है, यहां क्या कह रहे हैं, मैं सर्व क्षेत्र मतलब कोई खेत ऐसा नहीं है, अब खेत ऐसा नहीं है मतलब क्या हो गया, कोई इदम नहीं है, कोई शरीर नहीं है, कोई जगत नहीं है जहां मैं नहीं हूं, ये व्यापकता देखो आप। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, विद्धि मतलब जानो, सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम, जो यह जानता है, क्या जानता है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान जानता है अर्जुन, वही मेरे को क्या करता है, जानता है। देखो कई लोग सिर्फ क्षेत्र को ही जानते हैं, भगवान बोलते वो भी पूरा हमको नहीं समझ सकते, कई लोग क्षेत्रज्ञ को ही जानते हैं, बोले वो भी मुझको नहीं समझ सकते, अब ये कैसे नहीं समझ सकते, कोई सिर्फ क्षेत्रज्ञ को जाने तो भगवान बोलते हैं ये मेरे को नहीं समझता, इसकी व्याख्या क्या करोगे आप, चलो मैं इसको सरल आपकी भाषा में,
कोई साधक यह कहे कि मैं दृष्टा को ही जानता हूं, तो आप क्या कहोगे कि उसने जान लिया? मतलब दृष्टा बना ही किस संदर्भ से होगा? तो कोई ये कैसे कह सकता है कि मैं दृष्टा को जानता हूं और दृश्य को? तो जिसने दृश्य को जाना दृष्टा को नहीं जाना वो भी नहीं जानता, जिसने सिर्फ दृष्टा को जाना दृश्य को नहीं जाना वो भी नहीं जानता। तो कौन जानता है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञान, जिसने दोनों को जाना, किसको? क्षेत्र और यत्तज ज्ञानम, ऐसा जो ज्ञान है वो किसका ज्ञान है? वह मेरा ज्ञान है। अच्छा, अब तीसरा श्लोक हिंदी तो इसकी बताई नहीं है। फिर क्षेत्र का एक लक्षण करते हैं, ये जान लीजिए, फिर इन दो की व्याख्या देखिए। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च, देखो जी, क्षेत्र कौन है? बोले जिसमें यह गुण होवे, कौन सा? विकारी। मिल गया, मिल गया, जिसमें यह विकारी गुण होवे, उस गुणों को मैं तुमको बहुत अच्छे तरीके से संक्षेप में बताने जा रहा हूं। सुनो, कौन क्षेत्रज्ञ है, अब कौन क्षेत्रज्ञ, अब जरा इसको सावधानी से सुनिए। अभी पहले इन दो श्लोकों पर पूरा कीजिए। वह सब क्षेत्रों में है, इसका मतलब क्या हुआ? कैसे? और वह भूतों में स्थित है तो कैसे? जैसे कि मैं मकान में स्थित हूं, इसलिए खत्म नहीं करना है आपको ये। यदि कोई कहता है कि भगवान जगत में है, तो प्रश्न स्वाभाविक है कि भगवान जगत में किस तरह से है। अरे जानता तो कंप्यूटर भी है, गूगल भी है। अभी आप सोचो ना, अगर जीपीएस ऑन हो तो आप पढ़ रहे हैं, ये भी वहां पता लग जाएगा। कैसे? नहीं 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 नहीं, ये तो जहां नहीं समझ पाए बोले भगवान जाने, अभी है भगवान की लीला है ये, तो ये तो ये बात नहीं चलती। जानो तो ठीक से जानो। अब यदि समाहित है तो एक तत्व अलग होगा और जिसमें वह चीज समाहित होगी, हुआ ना? एक बड़ा सा कटोरा है, उसमें आपने क्या डाल दिया? जल। लेकिन जल सदैव अलग रहेगा और कटोरा क्या? जल में कटोरे में जल की भांति है। मैं मकान में स्थित हूं तो मैं मकान में जैसे स्थित हूं, ऐसे क्या है कि भगवान जगत में घुस गया है सब दूर? यह बुद्धि को प्रश्न आना स्वाभाविक है, एक दिन आएगा ये कि आखिर घुसा तो कैसे घुसा और कैसे विराजमान है और क्यों घुसा, जरूरत क्या थी? इस पे बड़ा अच्छा विवेचन है, कहा गया कि वो अतृप्त था, जानने की इच्छा से घुस गया, ऐसे भी एक श्रुति आती। लेकिन आपने, जिन लोगों ने पहले पढ़ा है, तैत्तरीय उपनिषद में इसको बोलते हैं प्रवेश श्रुति। क्या बोलते हैं? प्रवेश श्रुति। इतनी मैं कोट कर रहा हूं, बनाने वाला और बनने वाला दो नहीं है, सावधानी से सुन लीजिए, यही अंतर है। बनाने वाला और बनने वाला दो नहीं है, उसी ने बनाया और वही बन गया। उदाहरण मकड़ी, नहीं कुंभकार कहाँ हो गया? कुंभकार ने घड़े को बनाया,
लेकिन कुंभ में घुस तो नहीं गया। स्वप्न को बनाया किसने? आपने, पड़ोसी ने नहीं। और स्वप्न में घुसा कौन है? अरे इसीलिए कहा था जगत स्वप्नवत है। और बहुत सरल कहा जाए, मकड़ी का जाला बनाया किसने और उसमें है कौन? जो अच्छे साधक हैं उनके लिए और बोल रहे, निमित्त कारण भी वही है, उपादान कारण भी वही है। एफिशिएंट कॉज एंड द मटेरियल कॉज इज द सेम। वही इल्यूजन हो सकता है। ये ऊंची बात है बट जिनको समझ में आ रहा है वो समझे। मिथ्या तभी हो सकता है जब निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही हो। एफिशिएंट कॉज एंड मटेरियल कॉज, घड़े में निमित्त कारण अलग है, उपादान कारण अलग है, स्वप्न झूठा है। ये हिंट मिल सकती है साधक के लिए। यहां क्या बोलते हैं वो श्रुति क्या है? तत्सृष्ट्वा तदेवान, ये नैत्तिरी उपनिषद की श्रुति कह रहे हैं, आपको इसमें नहीं मिलेगा शायद। श्रुति क्या है? तत्सृष्ट्वा, सृष्ट्वा मतलब उसने, तत् मतलब उसने सृष्टि की, फिर क्या किया? छोड़ नहीं दिया। बनाया किसने? उसने। अच्छा फिर क्या किया? तद एव अनु अप्राविशत, और वह खुद ही उसमें क्या कर गया? बनाया भी किसने और है कौन? यही है सर्व क्षेत्रेषु भारत। जब उसी ने बनाया और वही जगत में क्या कर गया? प्रवेश कर गया उदाहरण के तौर पर। सभी शरीरों के अंदर वह जीव है या नहीं? शरीर बनाने वाला भी कौन था? वही। और वही शरीर को बनाकर और शरीर में क्या हो गया है? वो घुस भी गया। और वक्त आने पर इस शरीर को क्या कर देता है? छोड़ भी देता है। खत्म करनी होती लीला, यहां से निकल भी गया। समझना ध्यान सावधानी से। जहां जहां शरीर है वहां वहां वह जीव है, इसमें संदेह किसी को? अब भगवान बोलते हैं जिसने उसको जीव समझा वह अज्ञानी है। वो तीसरी स्टेप, वह जीव नहीं है, वह कौन है? मैं हूं। अब कैसे समझा जावे? देखो महात्मा लोग ऐसी कहानी इसमें सुनाते हैं, आपको सुनाया होगा मैंने पहले भी। एक बार एक शेर का बच्चा जन्म देते ही शेरनी से अलग हो गया। बहुत छोटा था, पैदा ही हुआ था। शेरनी भाग गई। अब जो भेड़ों का झुंड था, वो भेड़ों के झुंड में कौन रहने लगा? शेर। और चार पांच साल तक किसके साथ रहा? उन्हीं। अब वो बड़ा हो गया, लेकिन वो हरकतें कैसे करता था? खाना पीना बोलना सब कुछ कैसा था, लेकिन शरीर की जो आकृति थी वो कैसी थी? वो तो शेर थी। भेड़ों के झुंड में रहने के कारण वह स्वयं को क्या समझने लगा? भेड़। एक दिन शेर नाम का कोई प्राणी उधर से गुजरा तो उसने देखा, ये तो मेरी जाति का आदमी है, ये भेड़ों के बीच में क्या कर रहा है और ये हरकतें भी कैसी कर रहा है? भेड़ जैसी कर रहा है। उसने उसको बुलाया तो डरने लगा, और बोलते हैं उस शेर ने उसको पकड़ा और झील के किनारे उसको क्या ले गया? तालाब के किनारे। और उसने उसको क्या दिखाई? उसकी शक्ल। और ज्ञान क्या कराया? तुम भेड़ नहीं हो, तुम अपने आप को पहचानो, देखो इसमें भेड़ अलग होती हैं, तुम कौन हो?
और तब उसको यह ज्ञान हुआ कि मैं भेड़ नहीं हूं, मैं कौन हूं, मैं शेर हूं। ये कहानी समझ में आती है? यही कहानी आपके साथ भी हुई। इस शरीर से आसक्त होने के कारण वह जो परमात्म तत्व हमें स्थित भी है उसको भी हम देख नहीं पाते। उसको भी हम क्या देखते हैं पता है? ये भेड़ ही है, ये जीव ही है। आखिर जिन लोगों ने जीवन मुक्ति प्राप्त की वो किस देह में प्राप्त की है? तो इसका मतलब वह जब ब्रह्म बने, परमात्मा को प्राप्त किया, तो इसी देह से ही तो किया है। तो ये देह में जो जानने वाला है वो वास्तव में कौन है? वह ब्रह्म ही है, लेकिन मैंने उसको क्षेत्र से संबंधित होकर उसको नाम क्या दे दिया है? ये क्षेत्र को जानने वाला है। दूसरी भाषा में कहे वो कौन है? वह जीव है। इसीलिए वेदांत बार बार आपको बोध कराता है जीव ब्रह्म अलग अलग नहीं है। जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। दृष्टा साक्षी और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। है ना, महात्माओं के बड़े अच्छे सब मुझे इतना दृष्टांत याद आता है। रमण महर्षि का और स्वामी अखंडानंद जी का संवाद हुआ। अब रमण महर्षि जात सिद्ध संत थे, जन्म से ही सिद्ध व्यक्ति थे, और महाराज जी अखंडानंद जी शास्त्रों को पढ़कर जीवन मुक्त पुरुष बने, तो शास्त्रों का ज्ञान था। तो संतों का संवाद ऐसे ही होता है, दूसरों को लग सकता है अज्ञानियों का संवाद। तो उन्होंने बोला महाराज जी साक्षी कौन, इसको कौन देख रहा है जगत को, इसको कौन देख रहा है? ये किसने पूछा? अखंडानंद जी महाराज जी ने ये प्रश्न पूछा। तो उन्होंने कहा कि आखिर ये, और बहुत सारे प्रश्न थे कभी पढ़ना, तो यह जो देख रहा है यह ज्ञानी है कि अज्ञानी जगत को, ये प्रश्न था रमण महर्षि से। उन्होंने यह प्रश्न किया, रमण महर्षि ने पलटकर, ये प्रश्न कौन पूछ रहा है? यह प्रश्न कौन पूछ रहा है? बोले महाराज जी यह प्रश्न तो जिज्ञासु पूछ रहा है। बोले जिज्ञासु ज्ञानी है कि अज्ञानी है? रखो जी, यदि अज्ञानी ही प्रश्न पूछ रहा है तो आपको उत्तर पता है, और ज्ञानी पूछ रहा है तो भी आपको पता है। महात्माओं के संवाद में बहुत दर्शन छिपा होता है। ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए। दृष्टा और दृश्य के संबंधों में बीच में जो लाइन है वो क्या है? दृष्टा और दृश्य में भेद करने वाली जो पंक्ति है वो कौन है? कभी सब पढ़िएगा और सुनिएगा ऐसे महात्माओं को। तो मैं आपको एक इशारे के लिए कह रहा हूं, जो जीव है वही कौन है? वह ब्रह्म है। सच्चाई यही है। अज्ञान की दशा में उसको क्या बोलते हैं? जीव। और ज्ञान की दशा में उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म। इतनी बात सिद्ध हो गई। अब आप देखना दूसरे पेज से चालू हुआ है, जरा किताब भी पलट लेना। समझ में नहीं, मैंने सब पन्ने पलटवा दिए। कितने पेज का भाष्य है ये? देखो जी, 7 पन्ने। इतना बड़ा ये क्या है? भाष्य है। इसी श्लोक पर देखो आप। अब इन 14 पृष्ठों में मैंने जो संक्षेप किया कि उन संक्षेप में क्या किया जाए कि आप कुछ कि इसमें कंटेंट क्या है, तो टोटल इसमें मैंने जो 14 को काट कूट के जो मुझे स्वामी जी से समझ में आया था वो ये है, इसमें सिर्फ 4 प्रश्न हैं 14 पन्नों में। वो सुन लीजिए प्रश्न, वो उत्तर ही हैं, इसी से संबंधित हैं। पहला,
आत्मा में संसारित्व की प्राप्ति है या नहीं। आत्मा मतलब जीव, जीव, जीव में संसारित्व की प्राप्ति है या नहीं। यदि नहीं है तो क्यों, ये पहला प्रश्न है जिज्ञासु का। और आप सोचिए उत्तर अगर आपको आ सकता है। जीव में संसारित्व की प्राप्ति है या नहीं, यदि कोई कहे नहीं तो क्यों, हो गया प्रश्न समझ में आ गया क्या कहा जा रहा है। जीव में अज्ञान और ये जो संसार है इसकी प्राप्ति है या नहीं, यदि अज्ञान नहीं है तो क्यों नहीं है। आप ब्रह्म बोल रहे हैं वो क्यों नहीं है, फिर पहला प्रश्न। दूसरा, यदि आप ये कहते हैं कि जीव संसारी नहीं है, दूसरा प्रश्न, यदि जीव संसारी नहीं है मतलब जीव में अज्ञान नहीं है, ठीक है, तो महाराज जी ये जितना उपदेश है शास्त्र का वो अनर्थ हो जाएगा, निराश्रय हो जाएगा। क्यों? शास्त्र का उपदेश किसको दिया जाता है? हाँ, ज्ञानी को। तो शास्त्र का उपदेश किसको दिया जाएगा? जीव को ही तो दिया जाएगा। और जिसको उपदेश दिया जाएगा वो क्या होगा? वो ज्ञान अज्ञानी ही तो होगा। जिसको पढ़ाया जाएगा वो कौन होगा? वो अज्ञानी ही होगा। और आप बोलते हैं, और पढ़ाया किसको जा रहा है? जीव को। यदि जीव में कभी अज्ञान है ही नहीं तो ये उपदेश की परंपरा क्यों बह रही है, ये शास्त्र क्यों बताए गए? सावधानी से देखना, कोई बोले कि मैं ब्रह्म ही हूं, मुझ में कोई अज्ञान नहीं है, तो दूसरा व्यक्ति प्रश्न करेगा फिर उपदेश किसके लिए हो रहा है और ये शास्त्र क्यों है? शास्त्र तो उसी के लिए है जो कौन है, अज्ञानी है। और आप बोलते हैं अज्ञानी नाम का कोई चीज यहां पर है ही नहीं, क्योंकि जीव ही क्या है। हो गया ये दूसरा उत्तर भी आपको बता रहा हूं। तीसरा, आप मुझे एक बात बता दो, अविद्या का संबंध किससे है? ये जो इग्नोरेंस है ये किसको बिलोंग करती है, किसको, चेतन से है या नहीं? देखो जी, अविद्या का संबंध किससे है? क्योंकि जब जीव क्या हो गया, ब्रह्म, तो अविद्या का क्या हुआ फिर? ना तीसरा प्रश्न। चौथा, ये तो इसमें जब पढ़ेंगे शंकराचार्य जी बहुत नाराज हुए इस चौथे ऑप्शन पर। क्या था ऑप्शन? बोले मैं बोलता हूं क्षेत्र नहीं, क्षेत्र के नहीं, तीन लोग हैं। अब लो जी, तीन कौन है? बोले एक हो गया क्षेत्र, एक हो गया क्षेत्रज्ञ, जिसको कि क्या कहा गया, जिसको कि क्या कहा गया, ईश्वर, ठीक है। और बोले तीसरा हो गया मैं। देखो जी, आ सकता है साधक के मन में यही कॉन्सेप्ट अभी समाज में एग्जिस्ट करता है। बोले तो मैं क्या करूं, मैं क्षेत्रज्ञ की उपासना करूं, मैं क्षेत्रज्ञ की उपासना करूं, मतलब किसकी उपासना? ईश्वर की। मैं क्षेत्रज्ञ की उपासना करूं और क्षेत्रज्ञ की उपासना करके मैं और क्षेत्र उसी क्षेत्रज्ञ में क्या हो जावे, क्षेत्रज्ञ की कृपा से उसी में लीन हो जावे। चार प्रश्न हैं, इन चार प्रश्नों के उत्तर ही इसमें दिए गए हैं। चार प्रश्न दोहरा दे रहा हूं। पहला,
जीव में या जो आत्मा में संसारित्व की प्राप्ति है या नहीं? यदि नहीं है तो क्यों? दूसरा, यदि जीव में अज्ञान नहीं है और कोई अज्ञानी ही नहीं है, क्योंकि आपने बोला जीव ही ब्रह्म है, तो शास्त्र का उपदेश किसके लिए? अनर्थ हो जाएगा। तीसरा, अविद्या का संबंध किससे है? और चौथा, त्रैतवाद, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और देखो यही चीज यहां पे लिखी गई है, आप देख एक एक नजर डाल लीजिए। तीन सौ पेज पर दूसरा देखिएगा, दूसरा पैरा, और दूसरे पैरे को अंडरलाइन कर लीजिए पूरा दूसरा पैरा। हाँ, 300 पेज का दूसरा पैरा पूरा अंडरलाइन कर लीजिए, पूरा है, ये सब प्रश्न ही है, पूरा अध्याय का सार यही है। हाँ देखो, अब क्या बोलते हैं ध्यान से सुनिएगा, ननु 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 मतलब मुझे कुछ प्रश्न है, मुझे आपसे कुछ पूछना है, मुझे आपसे कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो संस्कृत में क्या बोलते हैं? ननु। जब आप इंग्लिश में बोलते हैं मे आई क्वेश्चन प्लीज, तो संस्कृत में क्या बोलता है? ननु, मुझे प्रश्न है। किससे प्रश्न है? शंकराचार्य से पूछ रहा है। आप एक बात बताइए, सर्व क्षेत्रेषु एक एव ईश्वरः, आपने अभी अभी कहा कि सभी क्षेत्रों में कौन ईश्वर है? एक एव ईश्वरः, न अन्य, कोई अन्य ईश्वर नहीं है। तद व्यतिरिक्तो भोक्ता विद्यते चेत, देखो जी, यदि समस्त शरीरों में एक ही ईश्वर है, उससे अतिरिक्त कोई अन्य भोक्ता नहीं है, तो ऐसा माने तो जीवत्व को संसारी मानना हुआ, नहीं तो ईश्वर से अतिरिक्त अन्य संसारी का अभाव होने से संसार के अभाव का प्रसंग आ जाता है। अगर वही ही ब्रह्म है, तो ये संसार नाम की कोई चीज तो दुनिया में है ही नहीं। तो ये तो आपको सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये संसार है। इसीलिए आगे क्या बोलते हैं, वह दोनों ही अनिष्ट हैं। देखो जी क्यों, अरे बोले तुमको साफ साफ ये दृश्य शंकराचार्य जी से आंख से दिखाई नहीं देता, ये संसार है या नहीं है? और तुम ये बोलते हो कि संसार नाम की कोई चीज ही नहीं है, बोले ये बात तो स्वीकार नहीं है। और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण भी यही कहते हैं कि संसार है, तब भी आप विरोध करते हैं कि संसार नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा, और अनिष्टम बंध मोक्ष हेतु शास्त्र अनर्थक्यम, देखो क्या बोला है, ये जो शास्त्र है इनका तो अनर्थक सिद्ध हो जाएगा। यदि जीव ही ब्रह्म है तो पढ़ाने की क्या जरूरत है, बंधन में कौन है और मोक्ष में कौन है? जब जीव तो ब्रह्म ही है तो सदैव से उसको क्या प्राप्त है? मोक्ष ही प्राप्त है, तो फिर बंधन की बात क्यों की जा रही है? बंधन और मोक्ष शब्द ही क्यों परिचित कराए गए? गुरु की आवश्यकता क्यों है? शास्त्र की आवश्यकता क्यों है? जीवन शैली की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्या है, दूसरा आरोप। तीसरा आरोप, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण विरोधात्। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण भी क्या बोलते हैं कि जगत नाम की चीज है, और आप क्या बोलते हैं जगत नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये उसने प्रश्न किया। आगे चर्चा कल करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।